और दिल्ली विधानसभा चुनाव की जहां अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जहां अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, वहीं एक ऐसी तस्वीर भी निकल करके सामने आई कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और मेंबर पार्लियामेंट जिस वक्त उनका मनोज तिवारी गुणगान कर रहे थे देश के गृह मंत्री अमित शाह का, तो उस वक्त में वहां जिंदाबाद की जगह लगातार नारे अमित शाह मुर्दाबाद के लगे। एक वीडियो आज सुबह से लेकर अब तक सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, वायरल हो रहा है। चाहूंगा कि एक नजर आप भी देखें कि लोगों ने किस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुरजोर स्वागत करा, दिल की गहराइयों से वो स्वागत हुआ। और ऐसी तस्वीर निकल करके आई वीडियो बनाने वाले ने उस वक्त तक कि जब वहां सिक्योरिटी में लोग मौजूद थे और जिस वक्त रथ पर सवार होकर के अमित शाह जा रहे थे मनोज तिवारी के साथ, जो उनके गुणगान और कसीदे पढ़ रहे थे, उसी दौरान ये हाय हाय के जब नारे लगे अमित शाह को लेकर के, तो कुछ सिक्योरिटी के लोगों ने और वहां आसपास चल रहे जो पुलिस का सिक्योरिटी सर्कल था, उन्होंने उन लोगों को रोकना चाहा जो लोग वीडियो बना रहे थे और नारे लगा रहे थे। वीडियो बनती रही, फुटेज कहीं आकर के रुकी, लेकिन साउंड पूरी तरीके से आई, ऑडियो पूरा रिकॉर्ड हुआ। एक बार सुनिए वो जो आज सुबह से लेकर अब तक अमित शाह हाय हाय के नारे लग रहे थे। मौका मिलना चाहिए ना, दिल्ली बदलने का मौका देंगे ना, तो एक बार आप सभी लोग दोनों हाथ उठा के कहिएगा अमित शाह आगे बढ़ो, अमित शाह आगे बढ़ो। देश को फिर देख लिया, इस नारे को कहते हुए मुझे गर्व होता है। हमारे कार्यकर्ता है भाई साहब, अरे हमारे बिहारी भाई ने और अब एक ऐसी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र की है, और वहाँ कोई और नहीं बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस वक्त पहुंचे हैं, तो उन्होंने आकर के कितनी मर्तबा, महज सुनिएगा आप 40 सेकंड के दरमियान कितनी बार पाकिस्तान की माला जपी है। आप खुद ही फैसला कीजिएगा इस चीज को देखते हुए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के पास क्या अब शाहीन बाग और पाकिस्तान के अलावा कोई और मुद्दा बाकी नहीं बचा है। और इस वक्त दिल्ली बीजेपी नहीं बल्कि पूरा सेंट्रल बीजेपी सीनियर लीडर्स, खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इस वक्त उतरे हुए हैं चुनावी मैदान में, वोट मांग रहे हैं पाकिस्तान के नाम पर, वोट मांग रहे हैं शाहीन बाग के नाम पर। लगता है कि अब इनके पास कोई चुनावी मुद्दा बाकी नहीं बचा है। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ की उस वीडियो को जिसमें वो पाकिस्तान की माला जप रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार, कितनी बार उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, सुनिए जरा। कश्मीर में धारा 370 के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल इमरान खान के स्वर में स्वर मिलाते थे ना, आपने सुना होगा उस दौरान। और इस दौरान जब दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कौन बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान के मंत्री। यानी अब दिल्ली की जनता पर उसे विश्वास नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के मंत्रियों से बयान जारी करवाया जा रहा है। क्या भारत के अंदर जनता वोट किसको दे, ये पाकिस्तान तय करेगा क्या? क्या पाकिस्तान हमारा हितैषी है क्या? जिस कार्य से पाकिस्तान खुश होगा क्या हमें वो कार्य करना चाहिए? क्या पाकिस्तान भारत की प्रगति से खुश होगा? लेकिन भाइयों बहनों, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में पाकिस्तान के मंत्री क्यों बयान जारी कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के मंत्री जानते हैं कि शाहीन बाग के लोगों को बिरयानी खिलाने का काम
अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि अब चुनावी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास बिल्कुल नहीं है और सिर्फ दंगों की राजनीति या फिर माहौल को खराब करने का जो अब प्रण किया है वो नजर आने लगा है? और यही वजह है कि कल योगी आदित्यनाथ की जिस रैली चल रही थी उस वक्त में भी उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया, जिन मुद्दों का जिक्र किया, शाहीन बाग का जिक्र किया, बिरयानी के बारे में कहा, तो आपको लगता है कि शायद अब भारतीय जनता पार्टी अब उन मुद्दों से दूर हो चुकी है। और आज की विकासपुरी की रैली में भी कुछ इसी तरीके की योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीरें सामने आई, वो वीडियो सामने आई।